नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लिंग का नॉर्मल साइज़ क्या होना चाहिए, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है। कुछ ऐसी क्वायरीज मेरे सामने आ रही थी, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि लिंग की मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसकी गर्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। दोस्तों, लिंग की जो हमने साइज़ की बात की थी वो हमें डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना चुके हैं, आप उस पर जा कर के ज़रूर देखिएगा। परंतु यदि आप मोटाई की बात करें तो मोटाई कभी भी सेक्स में मोटाई कोई इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि आपका लिंग कितना मोटा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से जो है वो सेक्स कर रहे हैं, ओरल सेक्स कैसे कर रहे हैं, या फिर आप किटोलर जो हमारा स्टिमुलेशन होता है, क्लाइटोरिस जिसको हम बोलते हैं, या फोरप्ले जिसको हम बोलते हैं, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, इस पर आपका पूरा के पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। परंतु यदि एक नॉर्मल गर्थ की, एक नॉर्मल मोटाई की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है। दोस्तों, वेरी कैसे करता है कि कई सारी कंट्रीज़ में देखा गया है कि लिंग के साइज़ डिफरेंट होते हैं, उसकी मोटाई भी डिफरेंट होती है। परंतु यदि हम सबको एक एवरेज तरीके से देखें तो स्टडीज़ ये बोलती है कि यदि पेनिस फ्लैसिड अवस्था में है, मतलब वो इरेक्ट नहीं है, है ना, तो फ्लैसिड अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में यदि पेनिस है तो उसकी जो साइज़ होती है वो 3.61 इंचेस होनी चाहिए। जब आप इंच टेप से पेनिस की गर्थ को नापेंगे तो ये लगभग लगभग 3.61 इंचेस होनी चाहिए। अब यदि इरेक्ट पोजीशन की बात करें, जब लिंग में तनाव आता है, इरेक्शन होता है, तो इरेक्ट पोजीशन में यदि हम उसके गर्थ की बात करें तो इसकी गर्थ लगभग 4.5 इंचेस होनी चाहिए। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आप की जो जो मैंने डाटा आपको बताया उससे कम गर्थ है तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, ये बिल्कुल भी जो है नॉनसेंस वाली बात है। गर्थ जो आपकी मोटाई है बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि आप किस प्रकार से कितना अच्छा सेक्स कर पाओगे, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, है ना। तो क्योंकि जो वेजाइना होती है बहुत इलास्टिक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, क्योंकि उसी एक ओरिफिस से, उसी एक छिद्र से जो है आपका लिंग भी इंटर होता है, और साथ में जब आप जब डिलीवरी होती है तो बेबी का सिर भी, पूरा बेबी भी उसी से फ्लैश आउट होता है। तो उसकी इलास्टिसिटी जो है ना बहुत होती है, जो योनि होती है वो काफ़ी इलास्टिक होती है ना। तो उसको स्टिमुलेंस करने के लिए किसी भी ज़्यादा मोटे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। तो आप दिमाग से बिल्कुल हटा दें कि यदि आपका पतला पेनिस है तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, और किसी भी विज्ञापन पे आकर के आप ना फंसें, है ना, क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया है आपके सेक्स लाइफ पे बिल्कुल इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्री मैच्योर इजेकुलेशन या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी, मतलब शीघ्र पतन जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप आपके नज़दीकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि सेफ़ और प्राइवेट तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो तो आप हमसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमसे ट्रीटमेंट लेने का तरीका बहुत ही सरल है, आपको व्हाट्सअप नंबर आप दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर हमारा है 7880075175। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करें, आपका एक पेड कंसल्टेशन होगा और आपकी दवाइयां आपको होम डिलीवर की जाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि गर्थ का, मोटाई का सेक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर नॉर्मल साइज़ मैंने आपको बता दिया है, इससे बड़ा है मतलब इससे मोटा है आपका लिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि आप जैसे कई सारे लोग हैं जिनको इसी प्रकार के क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं, तो उन तक पहुँचाने की कृपा करें। साथ में वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, ट्रीटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए। साथ में मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।